सिंह की रैली के अंदर जहां बहुत तादाद के अंदर जहां जेंट्सों ने भाग लिया, वहां लेडीज भी कोई कम नहीं रही और लेडीज बहुत तादाद के अंदर है, पूरे भारतवर्ष से यहां आई हैं और अपनी मांग को लेकर। आइए हम जानकारी लेते हैं कि यहां जो रैली का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। मैडम, मेरा नाम संगीता रवि है, मैं झारखंड से आई हूँ। झारखंड से जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आई हूँ जो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, जनजाति और ओबीसी जी, जिनका जो आरक्षण है और आरक्षण पे जो धीरे धीरे हमला हो रहा है, उस पर जो डॉक्टर उदित राज सर ने लड़ाई छेड़ी है, उनका पहली बात हम उनका समर्थन करने आए हैं, साथ देने आए हैं, उनका ताकत बनने आए हैं ताकि सर आगे बढ़ सकें। उनकी ताकत जब तक नहीं रहेंगे, उनके जो समाज के लोग नहीं हैं उनके साथ रहेंगे, तो वो आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या काम करवाना चाहती हैं आप उदित राज जी से? सर जो जिस मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनका हम लोग ताकत बनना चाहते हैं। लेकिन वो आज उदित राज जी तो सत्ता पक्ष के अंदर हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैडम, आपका नाम? सर मैं उषा देवी हूँ, झारखंड से हूँ जी। उदित राज सर बीजेपी गवर्नमेंट में हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ही कुछ आरक्षण विरोधी कार्य भी हो रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि वो कार्य को वहीं रोका जाए, क्योंकि आज भी दलित और आदिवासी और ओबीसी समाज जो है वो आरक्षण उसकी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को आप आरक्षण कानून बना के हमें दे दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस समाज ने जो 5000 वर्षों का विगत दंश झेला है, उस दंश को महज 70 सालों में हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए आरक्षण हमें मिलना जरूरी है। और उस आरक्षण की लड़ाई में उदित राज सर 20 साल से लगे हुए हैं। अब तो हम निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मांग रहे हैं, इसलिए कि हमारे सरकारी संस्थानों का भी निजीकरण किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत चीज़ है, क्योंकि सरकारी संस्थानों में हमें एक परसेंटेज के तहत आरक्षण मिल जाता था। अब निजी क्षेत्र वाले कहते हैं कि हमारी योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। योग्यता में प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हो भाई? हम भी पढ़ लिख रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे आ रहे हैं, ऐसा थोड़े ही है कि वो कहीं ऐसे ही चले आ रहे हैं। आपका ही स्कूल है, आपका ही संस्थान है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट के स्कूल हो, बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं और अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। आप लोग ही तो उनको टैलेंट के बल पर ही लोगे ना, जो जिस लेवल का है उस लेवल की उसको नौकरी दो, और नौकरी तुम नहीं दोगे क्योंकि तुम निजी क्षेत्र हो, तो निजी क्षेत्र में मनमानी क्यों करोगे भैया? आप अपने लोगों को ऊपर में बैठा लोगे और हम लोगों को झाड़ू पोछा करने के लिए नीचे रखोगे, ऐसा क्यों करना चाहते हो? समाज समान अधिकार के तहत हमें दो समानता का अधिकार, दो हमें आगे बढ़ने का अधिकार, और हमने दिखाया है अनेक क्षेत्रों में, हमारे डॉक्टर किसी के पेट में कैंची नहीं छोड़ते, जो छोड़ने वाले हैं वो छोड़ जाते हैं लेकिन उन पर कोई कुछ नहीं बोलता, हमारे लोगों पर बेवजह ही प्रहार किया जा रहा है। कि वो रिजर्वेशन से आया होगा इसलिए उसने काम किया। यस यस यस, ये बहुत बड़ी चीज है कि उसको रिजर्वेशन के तहत आप उसकी योग्यता को निम्नतन मानते हो, जो कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप अगर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो आज ये लोग कर रहे हैं कैंची तक पेट में छोड़ देते हैं, लेकिन अभी तक जितने घोटालों की अगर बात करें तो उसमें दलित समुदाय का एक भी व्यक्ति नहीं है। तो दलित समुदाय का एक भी व्यक्ति नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब को नजर आना चाहिए, उनको ये सब क्यों नहीं दिखाई देता है? वो विकास की बातें करते हैं, सब अच्छा लगता है, वो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हमारे दलितों का हक मार के हमें पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, इसे नहीं होना चाहिए। ये उन्हें आज जो महिलाएं जागरूक हो रही हैं और जागरूक होकर अपनी बातों को कह रही हैं, जैसे कि आप झारखंड से हैं और इतने बैकवर्ड इलाके से, लेकिन आप लोग महिलाओं को किस तरीके से जागरूक करेंगे? महिलाओं को हम लोग, देखिए सर ऐसा है ना कि महिलाएं तो घर के गृहस्थी में भी घिर जाती हैं, उनका एकदम से बाहर निकल के आना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतनी जागरूकता फैलाई है। आज हमारा 2-3 महीने का एक प्रयास रहा है जिसमें हम 35-40 महिलाओं का झारखंड से हम यहाँ पर उनका उपस्थिति दर्ज कराए हैं। तो हमें लगता है कि हम अगर इस पर रेगुलर काम करेंगे, अन्य लोगों को भी हम प्रेरित करने के दिशा में हैं। हमारी ये अखिल भारतीय परिसंघ की जो महिला कन्वेनर है राष्ट्रीय, सविता कादियान जी, वो अच्छा काम कर रही हैं, हम लोगों को उनके द्वारा
हमें मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम भी उस चीज़ को समझ रहे हैं, अपने लेवल से हम काम करने के लिए निकल पड़े हैं, और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि हम महिलाओं को, जो हमारी 50% की भागीदारी है, आप अगर 50% हो पुरुष वर्ग तो हम भी 50% महिलाएं हैं, मिल जाएंगे तो 100% हो जाएगा। तो जब हम 100% दे देंगे अपना यहाँ पर योगदान, तो हमें लगता है कि हमारी इस लड़ाई को प्रधानमंत्री क्या, इस देश का हर व्यक्ति समर्थन करेगा। और हम चाहते हैं प्रधानमंत्री महोदय से फिर हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि उदित राज सर उनकी सरकार में ही हैं, तो जब सरकार में हैं तो हमारी बात को वो रख रहे हैं, उन्हें उस पर गौर करना चाहिए। और अगर गौर नहीं करेंगे तो हमारा ये आंदोलन आज जिस रूप में आपने देखा है उसको उग्र न बनने दिया जाए। हम एक सभ्य समाज के हैं ये हम मानते हैं, क्योंकि हम में असभ्यता नहीं है, हम हिंसा के बिल्कुल समर्थक नहीं है। हमारी इतनी बड़ी रैली हुई है, आपने कहीं कोई हिंसा देखा, आपने कहीं कोई अतिक्रमण देखा हमारे तरफ से? कुछ नहीं हुआ। जो हमारे बच्चे आए सब एक अनुशासन में आए, जो हमारे लोग आए वो सब एक अनुशासन में आए। तो जब अनुशासन में आए लोगों के साथ आप इतना अत्याचार क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों हमें दबाना चाहते हो? हमें मौका तो दो, इस देश को बढ़ाने में हम ही आगे आ जाएंगे। आप तो आगे बढ़ो, हमें भी लेके चलो, छोड़ के जाओगे तो देश का विकास कतई नहीं होने वाला है।